पे चल गए। पहली गेंद कप्तान वर्सेस कप्तान अभिनेता के कप्तान अभिनंदन ने पहली गेंद कोई रन नहीं और सामने है सिद्धेश नादकर्णी वॉल्फपैक के कप्तान और ये दूसरी गेंद ऑफ साइड ऑफ सिस्टम डाला बॉल को सिर दिशा दी और ये चार रन। हल्के हाथों से खेला एक रन चुराते हुए अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं किशोर भाई किशोर चित्रोड़ा जी। ये वर्ल्ड यॉर्कर लेंथ डाली थी किशोर भाई पहली गेंद में बल्क में विकेट लेते हैं अपने अभिनेता। अभिनंदन जी का रिकॉर्ड है कि वो विकेट जब लेते हैं तो बैक टू बैक लेते हैं सूझबूझ के साथ डाली यॉर्कर लेंथ और किशोर भाई कोई रन नहीं बनाते हुए डक पे आउट हुए। अगला बल्लेबाज आ चुका है वीरेंद्र शाह। वीरेंद्र शाह काफी लंबा हिट लगाते हैं चार गेंदों में पांच रन और एक विकेट लिया है। और ये पहली गेंद घुमाना चाहते थे सिक्स लगाना चाहते थे लंबा हिट लगाना चाहते थे बट कोई रन नहीं। और ये ओवर की आखिरी गेंद और लेग साइड पे घुमाने का ट्राई कोशिश की गेंद बैट पे नहीं लगी और कोई रन नहीं। एक ओवर पांच रन और एक विकेट किशोर चित्रोड़ा का लेते हुए अभिनेता की टीम। दूसरा ओवर डालने आ चुके हैं राहुल अधुकिया काफी अनुभवी बॉलर है। कमेंट्री बॉक्स में पंखा लगाने की गुजारिश है और ये अमित चित्रोड़ा आवाज ही नहीं आ रहा है बॉल के ऊपर आए और एक रन चुराने में सफल हुए सिद्धेश। अरे टेंथ का बोर्ड है इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम कोई भी स्पीकर का यूज नहीं लेंगे फाइनल और सेमीफाइनल वाले दिन ही स्पीकर बार निकलेगा तब तक यूट्यूब पे मेरी आवाज़ आप तक पहुंचेगी। आनंद लीजिए
और ये अधुकिया जी अपनी दूसरी गेंद डालते हुए, वीरेन ने बैट वापस घुमाया और काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छा शॉट और ये रन आउट होने का चांस, और ये काफी लंबे रहे। सिद्धेश को ये रन नहीं भागना चाहिए था क्योंकि वीरेन गिर गए थे। ये एक रन के चक्कर में बड़ा विकेट चला गया। और साउथ ओसानी जी आ चुके हैं, क्या बोलते भाई? थ्रो किया था विशाल, तूने किया थ्रो? अमर आनंद अमर गेंद अभी भी ओवर की बाकी है। लेग साइड घुमाया, एक रन मिला, काफी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन कर रहे अभिनेतास। केतन भीमानी स्ट्रेचिंग करते हुए, रात को क्रैम्प आया रखता है पैर पे। जस्सी आ चुके हैं बैटिंग पे और ये लेग साइड घुमाया, गेंद सीधी फाइन लेग की तरफ, वेंकटेश के हाथ में और एक ही रन मिलेगा। वाइड बॉल का इशारा, दो विकेट के नुकसान पे। भावेश परेटा जी आ चुके हैं गेंदबाजी पे, स्ट्राइक पे है जसबिंदर सिंह। और ये गेंद लेग साइड घुमाना चाहते थे, इनसाइड एज लगा, गेंद फाइन लेग की तरफ गई। वेंकटेश ने काफी अच्छी फील्डिंग की और एक रन मिलेगा। कमेंट्री बॉक्स पे
पंखा लगाने की फरमाइश की जा रही है, फैन लगाने की, क्योंकि काफ़ी गर्मी है, आज हवा भी नहीं है, आज पत्ते भी नहीं हिल रहे, कल थोड़े हवा थी तो अच्छा क्लाइमेट था, कल आज तो काफ़ी ह्यूमिड है। और ये विका भावेश परेटा सिद्धेश को गेंद डालते हो, बढ़िया आपके लाइन लाइन डाली थी, एक ही रन मिलेगा। और ये गेंद घुमा के मारा है लेग साइड की तरफ, बट पावर प्ले है तो ये आउट नहीं रहेगा। बट जर्सी का हाथ तो खोल दिया अपना उसने, बड़ा हिट लगाने का कोशिश करेंगे, बस कमेंट्री बॉक्स में पंखा दो लग जाए ना तो क्या है ना, थोड़ा बैठने को मजा भी आए। आज क्या पंखा लगा नहीं है, हवा है नहीं, पत्ता भी नहीं हिल रहा है, तो जो कोई भी सुन रहा है जय को बोल के लगवा दीजिए। और ये लेग साइड घुमाया है, मैं बोला जर्सी का हाथ खुल चुका है, अभी लंबा हिट लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पावर प्ले में एक आध दो बाउंड्री आ गए तो पावर प्ले थोड़ा अच्छा जाता है। फुल टॉस बॉल, दिशा थोड़े भटक गए थे, गेंद बैट्समैन के टच होके निकली तो कोई रन नहीं मिलेगा, वाइड का इशारा नहीं दिया अंपायर ने इसलिए। और ये बहुत अच्छी गेंद, वाइड कैच हो सकता था, काफी बढ़िया गेंदबाजी डाली है भावेश ने, कितने चार रन चार ही रन दिए उन्होंने पावर प्ले में, चार रन देना एक बॉलर के लिए काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन है। अब बॉलिंग में खुद कप्तान आ चुके हैं अभिनंदन, पंखा लगा दो यार। जिमित पिंडे जी, आपसे थोड़ा गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आज पंखा लगा दीजिए, हवा नहीं है, पत्ते नहीं हिल रहे, गर्मी बहुत है। बढ़िया शॉट लेग साइड की तरफ, गैप में खेला, चार रन मिले पहली गेंद में। और ये दिशाहीन गेंद, ये चाहते तो सीधे सिक्स लगा सकते थे, उनके फेवरेट एरिया पे आया था गेंद, उनका ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, 10 में से 9 बार ही छक्का मारते हैं, ये एक बार जो नहीं मारा है वो अभिनंदन की गेंद में नहीं मारा है। एक चार रन आ चुके हैं और ये भी चार रन ही थे, और ये गेंद फंसने वाले थे बट बच गए, एक ही रन मिलेगा, तो 3 गेंदों में 9 रन आ चुके हैं। स्ट्राइक पे जस्सी आ चुके हैं,
चार रन खेला, काफी बढ़िया शॉट, रिवर्स हिट लगाते हुए गैप में निकाला जसी ने, पहले ही गेंद को भाप लिया था और उन्होंने गैप पे निकाल के रखा था। ये चार गेंदों में तीन चौके दे चुके हैं अभिनेतास। इसके पहली वाली ओवर अच्छी थी, चार रन ही आए थे और ये घुमा के मारा है गेंद हवा में। क्या ये कैच है या सिक्स है या आउट है? और ये आउट, काफी नजदीकी मामला था, ये सिक्स भी हो सकता था। जसी ने इसके पहले रिवर्स शॉट्स खेले थे, काफी अच्छा खेला था, ये सीधा खेलना चाहते थे। और हमारे ऑफ के बेताज बादशाह रमनदीप सिंह आ चुके हैं बैटिंग पे। अभिनंदन ने पांच गेंदों में तीन चौके दिए हैं और कमबैक लेके जशी का विकेट लिया है। अब देखते हैं रमन पाजी क्या गुल खिलाते हैं आखिरी बॉल पे, आखिरी गेंद में अभिनंदन क्या करता है। और पंखा लगा दोगे तो क्या है ना, इन कमिटी वाले किधर है? चार ओवर की समाप्ति और स्कोर हो चुका है 32 रन और तीन बड़े विकेट चले गए हैं।
पे एक पढ़ा हुआ था याद था। नकुल वाधवा जी आ चुके हैं, उनसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पंखा लगा दो भाई, बहुत गर्मी है, एक ऊपर एक नीचे। काफी बढ़िया थ्रो था। ये स्पीकर चालू नहीं है क्या? और ये बड़ा विकेट राहुल अधुकिया ने काफी अच्छी गेंद डाल के सिद्धेश नादकर्णी का बड़ा विकेट ले लिया है। कैच बहुत ही धूमधाम कैच पकड़ा है। एक कैच कौन पकड़ा? कैच राहुल, कैच कैच जो पकड़ा उसका नाम आनंद भाई ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है। आनंद भाई आज एक आनंद ने मैच सवेरे घुमाया, एक आनंद तिवारी ने मैच सुबह घुमाया है और ये मैच आनंद जी ने घुमाया है। सिद्धेश घुमा दिया है सर, कैच पकड़ लिया है, क्योंकि ये वॉल्फपैक में अगर बैटिंग कोई है तो वो है कप्तान खुद सिद्धेश, और उनका अगर विकेट जाता है तो ऐसा नहीं कि कोई खेल नहीं पाएगा, बट एक बड़ा विकेट है। काफी ब्रिलियंट कैच था, काफी अच्छी गेंदबाजी की अधुकिया ने, और नए बैट्समैन आ चुके हैं लड्डा जी के परिवार के, शूरवीर किशन द लड्डा। लड्डा जी के खानदान में जितने भी लोग हैं उनके आगे द लगता ही है, द सुनील कुमार लड्डा, द किशन लड्डा, द मुकुंद लड्डा। गेंदबाजी में आनंद आ चुके हैं, जिन्होंने अभी 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 एक बड़ा कैच लपका है अपने हाथों में। भावेश समझाते हुए भावेश आनंद को समझाते हुए कि रमन पाजी को कहां गेंद डालनी नहीं है और कहां कहां डालनी है। अभी आप सोचते रहोगे कि मैं आज कमेंट्री बॉक्स में क्या कर रहा हूं, घर पे क्यों नहीं जा रहा हूं, तो भाई मेरी वाइफ गई है गांव अपने मायके गई है, तो मैं हूं फ्री, तो मैं चाहता था कि कोई मुझे माइक दे। मैं कल पूरा दिन ऊपर था, मैं मेरा मैच खेला, काफी अच्छा खेला, टच बोर्ड कोई घमंड नहीं थोड़ा मेरे को, और पूरा दिन घर पे था। यस, अब किससे नीचे कहाँ जाएंगे सोच के खेल रहे थे। और ये रन आउट का चांस है और ये डायरेक्ट थ्रो। अरे यार क्यों कर रहे तूने मेरा दिल खुश कर दिया।
प्रदीप राय जी कहाँ हो आप? कमेंट्री बॉक्स पे आपका इंतजार था। क्षेत्र रक्षण, क्षेत्र रक्षण कमेटी के हेड हैं भाई। बात हो चुकी है जय से, उनको बोला गया दो बड़े बड़े पंखे लाए। पर्दे लग गए ना, हवा देखो चल रही है। वही बोल रहा हूँ, पर्दे कोई ऐसी हवा नहीं चल रही। कल भी हवा नहीं चल रही, कल हवा थी, आज भी थोड़ी भी नहीं है। चालू हो गए पर्दे लगा के, मारे बंद कर दिया। अरे तो पंखा भी लगा दो फिर, इससे कोई फायदा हुआ कल पर्दा लगा के? पेमेंट बाकी है। किशन लड्डा है स्ट्राइक पे, आनंद है गेंदबाजी करते हुए। और ये गेंदबाजी और ये बॉलर को काफी जोर की मोच आई है, पैर घुमा है, कुछ तो बड़ा इंजरी हुआ है। डॉक्टर नकुल जा रहे हैं, वैसली लेकर रैली स्प्रे लेके जाओ सर। कहाँ के डॉक्टर हो आप? डॉक्टर नीलेश सिंह वहाँ पे मौजूद है। कल कौन था, सेल्वा की इंजरी काफी बड़ी थी, तीन चार फ्रैक्चर है उनके एंकल पे। और अभी ये भी थोड़ा गंभीर मामला लग रहा है। गेंदबाजी कोई आनंद को पवेलियन लेके जा रहे हैं। लगता है काफी जोर का झटका लगा है पैर पे। आनंद ने काफी बढ़िया कैच पकड़ा था सिद्धेश का, और दूसरे तीसरे गेंद में ही उनका पैर ट्विस्ट हो गया और उनको बाहर ले जाया गया है। डॉक्टर नीलेश सिंह जो हमारे रूमल ग्रीन के काफी बढ़िया डॉक्टर है, हमेशा रूमल ग्रीन के लिए प्लेयर्स के लिए मौजूद रहते हैं, तो ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे इनहाउस डॉक्टर है। चुका है 42.4 विकेट एट द एंड ऑफ 5.2 ओवर्स, और चार गेंदे हैं जो आनंद नहीं डाल पाएंगे, किसी और को डालना होगा।
पे 65 रन्स। ये टूर्नामेंट में देखा गया कि हर मैच में ऑलमोस्ट 100 रन पार ही हो रहे हैं। काफी नए गेंदबाज ऊपर के आ रहे हैं, बल्लेबाज ऊपर के आ रहे हैं, और ये अंपायर का वाइड का इशारा। राहुल ऑफ साइड खिलाना चाहते हैं। और ये बैट के नीचे दिया है, गेंद वहीं गिरी है केतन के पास। केतन ने कोई गलती नहीं की और बढ़िया कैच पकड़ा है। किशन लड्डा, पेशेंस होना चाहिए। जब उनको पता ही था गेंद ऑफ साइड ऑफ द स्टंप आने वाली है, ड्राइव कर सकते थे, बट उन्होंने खींच के मारा, बट गेंद सीधे। नए बल्लेबाज आ चुके हैं, बागवे आ चुके हैं। ये अमित बागवे नहीं है, ये अभिषेक बागवे है। और ये अभिषेक बागवे, राहुल अधुकिया काफी अच्छी गेंदबाजी डाल रहे हैं। अमर काफी अच्छी फील्डिंग करते हैं अपनी टीम के लिए। आउट का चांस, राहुल गेंद को पकड़ना चाहते थे। जैसे कि हम बात कर रहे थे रमन पाजी के फॉर्म के बारे में, और एक गेंद हवे में है बट हल्के हाथों से खेला, एक ही रन मिलेगा। रमन पाजी काफी बढ़िया फॉर्म में खेल रहे हैं, टेस्ट में भी उन्होंने चमत्कार दिखाया था अपनी टीम के लिए, अच्छा खेले थे। और ये ऑफसाइड कवर ड्राइव खेला है विशाल के हाथ में, गेंद कोई मिस फील्डिंग नहीं, कुछ नहीं, उठा के गेंदबाजी में डाल दिया है, एक रन मिलेगा। राहुल अधुकिया फील्डर को बोलते हुए कि कैच आने वाला है, अब देखते हैं क्या गेंद डाली है। और ये इनसाइड एज लगा, भाग्यशाली है ये बल्लेबाज, बच गए और चार रन भी मिले। स्कोर हो चुका है 74 रन्स, 8 ओवर समाप्त हुए हैं।
स्कोर 74 रन्स है। अभिनेतास के गेंदबाजों को कुछ करना होगा। एक बड़ा विकेट प्रमन पाजी है। गेंदबाजी में भावेश आ चुके हैं। स्ट्राइक पे रमन दपाजीस। पहली गेंद भावेश की। पाजी उठा के मारा है, गेंद टप्पा खाई और विशाल के हाथ में। बढ़िया फील्डिंग, विशाल काफी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। अपनी टीम के लिए 4 रन बचाया विशाल ने, काफी अच्छी फील्डिंग की। भावेश की गेंद और ये ऑफ साइड, घुमाना चाहते थे, बल्ले पे लगा नहीं, कोई रन नहीं। गेंद सीधे कीपर के हाथ में। अभिषेक को स्ट्राइक रोटेट करना होगा या बड़े हिट लगाने होंगे। और एक गेंद इनसाइड एज। आज अभिषेक दही और चीनी साथ में खा के निकले हैं घर से। इनसाइड एज पे 2 चौके मिले अभिषेक बागवे को। आधा आधा लीटर दही और 3 स्पून शक्कर डाल के खाए हैं, खा के आए हैं। मैं भी आज यही करके आऊंगा। प्रैक्टिस छोड़ो, दही चीनी खाओ। प्रैक्टिस छोड़ो, दही चीनी खाओ। बल्ले बल्ले। और ये और एक इनसाइड एज, कुछ तो खेलना चाहते थे बट कोई नहीं, एक रन मिला। स्ट्राइक पे है रमन दपाजी। बड़ा हिट लगाना चाहते हैं, गैप निकाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं वो गैप। और ये घुमा के दिया है, गैप में खेला है जहां पे वो माने जाते हैं 4 के लिए। आप काफी कम बार देखोगे रमन पाजी को 6 मारते हुए। 9 ओवर 84 रन, आखिरी ओवर डालने आएंगे विशाल। आनंद इंजर्ड हो गए हैं, उनकी जगह पे विशाल आ रहे हैं गेंदबाजी करने। भावेश की जो पहले गेंद की रफ्तार थी काफी कम हो चुकी है। माफिया में काफी अच्छी गेंदबाजी तो करते ही थे, स्पीड जो लेंथ पे करते थे, शायद अब पप्पा बन गए तो कंधे थोड़े बच्चे को उठाने में रह जाते हैं। कोई नहीं, ही विल बी बैक इन नेक्स्ट ईयर।
वाइड गेंद का इशारा। काफी अच्छी गेंद, रन आउट का चांस। रमन पाजी ये गेंद में रन आउट हो सकते थे। आखिरी ओवर है, आखिरी कुछ बॉलें बची हैं। हिट आउट गेट आउट वाला ही, और ये लेट कट खेला, गेंद थर्ड मैन के हाथ में। बढ़िया, अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग की है नाथन ने। फुटबॉल का प्रदर्शन भी दिखाया, टीम के लिए चार रन भी रुकाए, और इस तरह से विशाल भी खुश है। अभिषेक बागवे जो दही और चीनी दबा दबा के आए हैं आज सुबह, देखते हैं। और एक बागवे जी को चौका मिलेगा क्या? ये वाइड, वाइड का इशारा, वाइड था, काफी बाहर थी बॉल। विशाल एक गेंद अच्छी डाल रहे हैं, लाइन और लेंथ बढ़िया डाल रहे हैं। दूसरी गेंद में वापस उनको एक्चुअली में दो ओवर डालने का मूड है, तो वो 12 बॉल डाल के जाएंगे, सोच के आया पहले से। रमन पाजी गैप निकाल दिया, अब सिर्फ गैप पे खेलना है, और एक गैप पे ढकेल दिया, चार रन मिलेगा। कीपिंग की है अमोल ने, बोलना क्या बकवास की है अमोल ने, क्या जरूरत है, स्टंपिंग था भी नहीं, वो स्टंपिंग करना चाहते थे पता नहीं किसकी। मिला क्या उधर कोई? विशाल ने कवर किया, 98 पे रुकाया, 99 रन्स टू विन है अभिनेतास को।